मोदी योगी नहीं जाएंगे कहीं भी, और ऐसी सोचे कि वो किस बिल में घुसेंगे। सपना तो मेरे मन में भी आता है, 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ गया, नहीं आया। जो लोग भटक गए हैं, मेरे प्यारे भाई भटक गए, वो सब लोग सोच रहे हैं कि सपा बसपा को छोड़ के सिर्फ योगी के बारे में सोचा है, नहीं तो लुट जाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है, बनना चाहिए, वो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरे, आप क्यों कह रहे हैं? आपके सपने में तो आप चुनाव में क्यों बता रहे हैं? यार चुनाव में नहीं बता रहे, चुनाव में क्यों बता रहे हैं? पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे तो रोज सपने में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिक्किम में डायरेक्ट मुकदमे दर्ज थे, ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है कैपिटल टीवी में, और मैं उस वक्त मौजूद हूँ वृंदावन के गांधी मार्ग में। इस वक्त चुनाव का माहौल है, बारिश है, और चुनाव के माहौल के बीच में हम मौजूद हैं जनता जनार्दन के साथ। हम चुनाव पर सीधा जनता के साथ बात करेंगे, चुनाव में क्या माहौल है? महाराज जी बिल्कुल साफ देख रहा है, इस समय कृष्ण जन्मभूमि को हम लोग लेके चल रहे हैं, राम जन्मभूमि बन गई है, काशी बन गया है, सबको लगता है कि जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है कहीं नहीं हुआ है, तो पूरी यहाँ की जनता समझ चुकी है अब हम लोग किसी और जाति में नहीं बटेंगे, किसी धर्म में नहीं बटेंगे, अब खाली विकास के लिए हम लोग आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है, इतना ज़्यादा विकास कभी नहीं देखा गया। और देखिए जितना आप देख रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, आप देखिए एक संत सबको साथ लेके चल रहा है, सबको रोटी पानी दे रहा है, अनाज दे रहा है, इसलिए लगता है कि सब लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी को लेके आएंगे। मैं उनको और कहना चाहता हूँ, जो लोग भटक गए हैं, मेरे प्यारे भाई भटक गए, वो सब लोग सोच रहे हैं कि सपा बसपा को छोड़ के सिर्फ योगी के बारे में सोचे, नहीं तो लुट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए अगर ये विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, इसी मथुरा जिले में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, नालियों में हम लोग माचिस से सीख लगाते थे तो आग लग जाती नालियों में, आज माचिस की सीख फेंकते हैं सीख बह जाती है, चारों साइड सफाई स्वच्छ, चारों साइड रोड इत्यादि, माटका रोड देख लीजिए जिसमें बड़े बड़े गड्ढे रहते थे, चारों साइड आप अंग्रेज मंदिर से देखे पूरी लाइटों को देख लीजिए, ये कहते हैं गली नहीं बनी, गली पूरी बनी है, बिहारी जी की पूरी गली नहीं बनी है, घाट के घाट बन गए हैं, पूरी परिक्रमा मार्ग बन गई है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका डेवलप नहीं हुआ है, सबका डेवलप हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, लेकिन ये झूठे लोग झूठे वादे करते हैं, झूठा बोलते हैं, जनता को बरगलाते हैं, इत्यादि का काम करते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए आनी तो योगी सरकार। वैसे मेरा एक सवाल है आपसे, अगले से नहीं हो गया, मेरा आपसे एक सवाल है, ओवैसी ने बोला है कि जब मोदी और योगी चले जाएंगे तो क्या करोगे, इस पर आपका क्या कहना है? मोदी योगी नहीं जाएंगे कहीं भी, ओवैसी सोचे कि वो किस बिल में घुसेंगे, उनको सोचना पड़ेगा। और देखो और एक और बात देखिए, सपा की सरकार आई, जवाहर बाग कांड हुआ, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, कांग्रेस की सरकार थी, जे नर्म घोटाला हुआ था वो भी आपको याद है अच्छी तरह से। आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोरोना काल अगर यूपीए की सरकार होती ना भाई साहब, 140 करोड़ में से 40 करोड़ ही पब्लिक बस्ती, 100 करोड़ समाप्त हो चुकी होती। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर काम किया है मोदी और योगी जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भाजपा, तय भाजपा। क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्ण जन्मभूमि में, तो मैं कृष्ण भगवान के बारे में जरूर एक सवाल करता हूँ आपसे कि कृष्ण भगवान का सपना आया है अखिलेश को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कृष्ण भगवान का सपना आया अखिलेश को? कोई सपना नहीं है, सपना तो मेरे मन में भी आता है, 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ गया, नहीं आया। और कौन, ये मेरी बात सुनो, कौन, ये तो भगवान ने भेजे हैं, मोदी योगी, तो सपना झूठा है क्या? ये तो झूठा है, मेरे रोज सपने आते रोज चले आते हैं। सपना इसलिए आता है क्योंकि ये देवयोग भूमि है, और वो कहते हैं कि ये मंदिर नहीं बनने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये देवयोग भूमि है, मंदिर पुरानी धरोहर है, वो आज निर्माण हो रही है। मंदिर बनना कब नहीं चाहिए? मंदिर तो पहले से बना हुआ है वहाँ पर, ये बताओ, सुनिए सुनिए, मंदिर तो वहाँ पर पहले से बना हुआ है, हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक एक करती 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 एक एक ना तो मोदी से ना योगी से, सुनिए
ना मोदी करने से देश चलेगा, ना योगी चलने से देश चलेगा। देश चलेगा रोजगार से, शिक्षा से, ठीक है, रोजगार से, शिक्षा से देश चलेगा। ना मोदी करने से देश चलता है, ना योगी। आवाज लगाते रहो, नारे लगाते रहो, ठीक है, नारे लगाते रहो, नारे लगाते रहो। आपको क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए बंगाल में खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। इस बीजेपी सुनिए, झूठे वादे यूपी, केवल यूपी की बात करो, में उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे बड़ा शहर है यूपी। यूपी की बात करो। आपसे एक सवाल है, इस बार मथुरा से योगी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? संभावनाएं तो पूरी हैं, लड़े ना लड़े। पहला उद्देश्य हमारे होना चाहिए कि मैं बात कर लूँ, पहला उद्देश्य हमारा राजनीतिक विषय कोई भी रहा हो, योगी लड़े ना लड़े, एक मंदिर बन जाना चाहिए श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जो भी विवाद है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। दूसरा बात, जो मथुरा वृंदावन चौरासी को उसकी परिधि है वो ऐसी हो जानी चाहिए कि जो ब्रह्मांड में कही जाती है कि वृंदावन चारों धामों से निराला वृंदावन, वो साकार सिद्ध हो जाना चाहिए। बस ये दो मुद्दे हैं, तीसरा कोई मुद्दा है ही नहीं ना। देखो कोशिश सब चल रही है, 5 साल 10 साल में कुछ होना नहीं है। किसी ने 60-65 साल राज किया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया था, ऐसा नहीं है नहीं दिया, दिया है। लेकिन अगर किसी को 10 से 15 साल का समय दे रहे हो और वो चल भी रहा है, अपनी गति से चल रहा है, कुछ आरोप भी लगे हैं, कुछ नहीं भी लगे हैं, और कुछ आरोप है जो सिद्ध नहीं हो पा रहे, लगाए जा रहे हैं, धापड़ तो लगाए जा रहे हैं। तो मतलब मैं ये मानूँ कि अयोध्या की तरह कृष्ण जन्मभूमि में भी कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए। अगर इस मुद्दे को लेकर चलेंगे तो जो भी आएगा उसको स्वागत किया जाएगा, और जो कृष्ण जन्मभूमि यमुना मैया, जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्मभूमि यमुना मैया और यहाँ के ब्रजवासियों के विकास की बात नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, मैं श्री कृष्ण सेना संगठन की तरफ से मैं सबसे पहले उसका विरोध करने के लिए खड़ा मिलूंगा। आपको क्या कहना है? देखिए मंदिर और मस्जिद बीजेपी के पास में दो ही मुद्दे हैं। अगर देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी मंदिर हैं, काफ़ी मस्जिद हैं, कहीं झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ था? मथुरा पे आ गए। अब पहले राम जन्मभूमि पे था, वो माननीय उच्च न्यायालय देश ने उसका फैसला दे दिया, वहाँ मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत ही अच्छी बात। मतलब है मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिर बने? मंदिर तो है, मंदिर तो है। सुनिए पहले आप, इससे काम नहीं मिलता। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, इनकी बात पूरी होने दीजिए। मंदिर बनना चाहिए और मंदिर नहीं बनना चाहिए? मंदिर तो वहाँ पर पहले है और भव्य मंदिर है। ये कहो आप कि मंदिर वहाँ और ज्यादा भव्य बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना पाइए? मतलब आप मानते हैं ये बात? मेरी बात सुनिए, देखिए मंदिर बने, खूब मंदिर बने, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के साथ में शिक्षा। दिक्कत आपको किससे? हमको किसी से दिक्कत नहीं है। युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं। आप मानते हैं कि युवा बेरोजगार है? पेपर लीक हो जाते हैं, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, पेपर हर सरकार में पेपर लीक होते हैं। इस सरकार में कुछ ज्यादा लीक हो रहे हैं। कम और ज्यादा का माप आप कैसे करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ आपको, इस सरकार में खूब पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। युवाओं को रोजगार है? अच्छा, विकास की बात कीजिए। आप विकास की बात कीजिए, देखिए मेरी बात सुनिए। आप बोलिए। बिल्कुल बनना चाहिए मंदिर, मंदिर के लिए कौन रोक रहा है? मंदिर को कौन रोक रहा है? बिल्कुल मंदिर देखिए, मंदिर कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है, बनना चाहिए, वो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए मेरी बात सुनिए, मंदिर है, वो मंदिर बनना चाहिए। हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको जाएंगे मथुरा में, हम जन्मभूमि बनवाएंगे। साढ़े चार साल हो गए नहीं, साढ़े चार हो गए बीजेपी के पास में, साढ़े चार से किस मंदिर के मुद्दे पे आपका क्या कहना है? मंदिर भव्य बने, खूब बढ़िया बने, कोई दिक्कत। आप मानते हैं मेरी बात सुनिए, मंदिर बनना क्या विकास नहीं है? मेरी बात सुनिए, खूब मंदिर बने, वृंदावन में पहले तो बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर जब लोग भड़काना चाहते हैं, लेकिन केवल बात करो विकास की, महंगाई कितनी चरम सीमा पे, सब लोग परेशान है, मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई काम धंधा नहीं है प्रदेश में। हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बने। क्यों बने? क्योंकि छात्रों के लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, इतना उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, राम मंदिर के नाम पे चंदा लेकर मुस्लिम की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आप कहाँ से? वृंदावन मतलब
ब्रजधाम से बिल्कुल बता जिले से। अब यहाँ पर काय का विकास चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको विकास काय का चाहिए, बताओ। देखिए माँ जमुना हमारे ब्रजवासियों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, ठीक है, माँ जमुना है कि नहीं है? आप मुझको एक बात का जवाब दीजिए, माँ जमुना में जो मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको जवाब, मैं जवाब दे तो रहा हूँ आपको, नहीं लंबा नहीं। माँ यमुना ब्रज 84 कोस की पूरी परिधि को एकदम वो विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बना दे। आज जो पर्यटक आता है वो हमें गलिया के जाता है, आपको पता है? आपको अपने दिए दो दो मंत्री, मेरी बात सुनिए, दो दो मंत्री कभी नहीं मिले, दो दो मंत्री। अभी इनके प्रश्न सुनेंगे, उसके उससे आप जवाब ले लेंगे। आपसे आप 84 कोस की परिधि का विकास चाहते कि नहीं चाहते? देश का विकास होता रहेगा, पहले आप अपना विकास चाहते नहीं चाहते? पहले अपनी बात करो फिर देश की बात करना, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमारा 84 कोस की परिधि में माँ यमुना निर्मल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहाँ के पर्यटन स्थल को सुंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुविधाओं युक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मंदिर के सारे कॉरिडोर्स एकदम दुरुस्त होने चाहिए नहीं होने चाहिए? और हमारी मूलभूत सुविधाओं के साथ में यहाँ कॉलेजेस ऑलरेडी हैं, हमारे पास इतने कॉलेज हैं, वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पा रहे। हमारे पास इंडस्ट्री होनी चाहिए नहीं चाहिए? हमारी 4 इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं मथुरा जिले की, आपको पता है? ये इंडस्ट्रियों का पुनर्स्थापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर जो भी पार्टी बात करे सिर्फ उसकी वोट करो, वरना उस पर चोट करो। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में यहाँ पर इतनी बड़ी योजना दी गई थी, यहाँ से पर्यटन बढ़ते, ब्रजवासियों को रोजगार मिलता और आसपास के जो गांव हैं लगे हुए उनके नौजवान को रोजगार मिलता। यमुना रिवर फ्रंट ठीक है, यहाँ योजना दी, अगर वो बन जाता तो विकास होता नहीं होता? रुकावट किसने पैदा करी उसमें? मेरी बात सुन, नहीं नहीं, रुकावट जो जिसने भी पैदा की हो, मेरी बात सुन लीजिए, अगर वो बन जाता तो विकास यहाँ होता नहीं होता? आप क्या मानते हैं? एक दिन बन जाएगा? कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है? रिवर फ्रंट कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है? मैं पूछ रहा हूँ कितने किलोमीटर का है? क्या वो 1 किलोमीटर में है वो आप बता दे जरा, कितने किलोमीटर का रिवर फ्रंट है? मैं समझता हूं कि वो 8 किलोमीटर के 10 से ऊपर किलोमीटर का है, 8-10 ठीक है, 8-10 किलोमीटर। 12 साल का पूरा टाइम पैकेज है जो कि लिखा हुआ है, समय चाहिए सब चीज़ का। आपने जो किया था आपको उसका बदला मिला, जनता ने आपके साथ ही गेम किया था, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है। अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता ने उनके कुछ कामों को अस्वीकार करते हुए उनको उनके परिवारवाद के नौटंकी को देखते हुए उनको घर से विदा किया। तय मानते, अब जब योगी बाबा के पास सरकार है आपके पास मुद्दे होने चाहिए, जैसे यहाँ के अपराधी तत्वों को क्या खत्म किया कि नहीं किया? अपने अखिलेश जी को क्या है, सपने आने की जरूरत क्या पड़ी है? सपने साकार भी होंगे, जनता ने मन बना लिया है। सपने की जरूरत क्या पड़ गई? परिवारवाद से बाहर निकल के तो आए, जब ने जनता भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य हैं और सपने में आ गए तो क्या है? अखिलेश जी के भी आते हैं, हमारे भी आते हैं, ब्रज में तो कृष्ण भगवान। यादवों को, यदुवंशियों को, अपना परिचय दीजिए, अशोक यादव नाम है। अगर हम यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण सपने में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? रावण आएगा का? आएगा तो भगवान श्री कृष्ण ही सपने में, कौन नहीं आएंगे? हाँ, रोज आ रहे हमारे सपने में, आपको आप क्यों कह रहे हैं? आपके सपने में तो अब चुनाव में क्यों बता रहे हैं? क्या चुनाव में नहीं बताया? चुनाव में क्यों बता रहे हैं? पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे तो रोज सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान रोज आ रहे हैं हमारे तो। आपसे ऐसा है, ये धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, योगी जी 19 दफे आए, 4.5 साल में क्या किया? खाली अभी आके खाली बौछार करते बोले इतना रुपया काम करेंगे, इतना करेंगे। दूसरी बात, उन साधु संतों की, बाबा जियों की वृंदावन में आए दिन मठ और आश्रम बनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ योगी जी वास्तव में अगर संत हैं तो आश्रम धारियों की जांच कराइए, जितने आश्रम में बैठे हैं, कोई कतली है, कोई मुस्लिम अपने देश से तड़ी पा रहे, जैसे देश का गृह मंत्री तड़ी पा रहे, ऐसे बाबा जी तड़ी पा रहे हैं। कौन कहता है बाबा जी तड़ी पार देंगे? मुख्यमंत्री पर 18 मुकदमे दर्ज थे, ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। हमारे मुकदमे थे उनको जो, तो चुनाव में मुकदमा होगा मुद्दा, क्या विकास होगा? क्या विकास होगा मुद्दा? विकास क्या हुआ जी? रोड देख रहे हैं, कांग्रेस की देने, बीजेपी देने, चलिए मेरे संग विद्यापीठ चौराहे पे गड्ढे हैं। हमारे भाई कह रहे थे कि कॉलेज, हमने कॉलेजों को पढ़ाया है, अभी कल परसों वृंदावन के अंदर बन महाराज इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर गोली चली है। अच्छा, गोली पहले भी सरकारों में चलती थी या नहीं चलती थी? नहीं चलती है, ये तो बदनामी करने की बात है। पहली थी, मेरा नाम धनवेश कुमार शर्मा है, और गोली चली थी, मैं पढ़ता था उस समय, गोली चली थी IOB में। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी उस समय,
ठीक है, गोली चली थी मैं पढ़ता। देखिए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सारी सरकारों में गोलियां चलती थी। मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। होना चाहिए विकास, होना चाहिए हर सारी पार्टियों के लिए। ये एक आदमी उसका नहीं है, सब एक है। और वृंदावन की देखो, वृंदावन की सफाई होनी चाहिए, सफाई पे ध्यान देना चाहिए। वृंदावन की सफाई के जो लोग है 100-100 रुपए लेके घरों में सफाई कर रहे हैं ना, वो बंद होना चाहिए। और सरकार की तरफ से सफाई होनी चाहिए, वृंदावन स्वच्छ होना चाहिए, वृंदावन स्वच्छ होना चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं उन पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए मतलब का बुरा फर्क पड़ता है। इसलिए वृंदावन की सफाई होनी चाहिए, जमुना प्रदूषण दूर होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जमुना जी में नाले जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए, हैं ये सब चीज होना चाहिए। और धन्यवाद। तो ये थी आप लोगों की राय। मुद्दा मंदिर के विकास का है, मुद्दा यहाँ पे कॉलेजेस बनने का है। हम रोज इस चुनावी माहौल को बताते रहेंगे आपको, और लगातार मौजूद रहेंगे हर उस जगह जहाँ से चुनाव हो रहा है।